अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन अंगारा। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके रखा है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये 10 काजू है, इसका मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है, 2 प्याज है, इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। ये 3 हरी मिर्ची है, इसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। ये 1/2 बंच कोथमीर है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके कट करके रखा है। ये स्मोक के लिए कोयला है। ये 100 ग्राम्स दही है, 6 टेबल स्पून तेल है। ये 1 टेबल स्पून मलाई है, आप मलाई स्किप करके क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। ये 1 टी स्पून नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पर मैं चेक करके डालूँगी। ये 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर है। ये 1 टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर है। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 टी स्पून धनिया पाउडर है। ये 1/2 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर है। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। मैं इसमें डालूंगी दही, थोड़ा सा फूड कलर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा सा नमक। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं कवर करके इसे 15 मिनट्स के लिए रखूंगी। तेल गरम कर लेंगे हम। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हम 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मैं ऐड करूँगी नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये टमाटर और प्याज का पेस्ट। अब इसे हम पानी ड्राई होने तक अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुन गया है, अब इसमें मैं डालूंगी काजू, काजू का पाउडर, मलाई, गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये ग्रेवी में मैं 1 कप पानी डालूंगी। अब इसे 5 मिनट्स तक हम और कुक करेंगे। देखिए ग्रेवी अच्छे से पक गई है, अब हम इसे स्मोक देंगे। चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है, अब हम इसे स्मोक देंगे। देने के लिए मैंने कोयले को जला लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून तेल। अब हम इसे कवर कर देंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट्स हो गए हैं, देखिए ये अच्छे से स्मोक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। करूँगी मैं कुतमीर हरी मिर्ची। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मैंने डिश आउट कर लिया है, चिकन अंगारा रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व कीजिए नान की रोटी, रुमाली रोटी या चावल के साथ, ये बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।